आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाज़रीन, अभिलाष नामी यह शख्स चंदा नगर BHL के इलाके का रहने वाला है और इनकी शादी 2007 में हुई थी। राजन नामी एक शख्स इन्हीं की वाइफ का चाचा बताया जा रहा है। राजन नामी यह शख्स ने अभिलाष को 100 गज का प्लॉट अभिलाष की शादी में गिफ्ट में दिया था और एक प्लॉट 4 लाख रुपए अभिलाष से लेकर दिया था। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों प्लॉट भी लिटिगेशन के हैं और ये अभिलाष की सास ने प्लॉट को बेचकर पैसे हड़प लिए और अभिलाष को पैसे नहीं दिए। अभिलाष को जो गिफ्ट में प्लॉट दिया गया था ये भी गया और 4 लाख रुपए लेकर जो प्लॉट दिया गया था वो भी प्लॉट चला गया। 1 मार्च को रात में 10 बजे एक ब्लोरो कार में आकर राजन सिंह का बेटा यानी के इनकी बीवी का चाचा का बेटा जिसका नाम अकील बताया जा रहा है, ब्लोरो कार में आकर अचानक इनके घर पर हमला कर दिया और घर में घुसकर अभिलाष के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से अभिलाष के सर पर गहरा जख्म आया। बताया ये जा रहा है कि वजनी पत्थर से अभिलाष पर हमला किया गया है। अब इसकी शिकायत चंदा नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज किया है अंडर सेक्शन 324, 384, 504, 323 और 448 इन दफों के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हालांकि अभिलाष के सर पर बहुत ही गहरा जख्म है और इन्हें जान से मार डालने के लिए ये लोग आए थे, बजाय 324 के 307 बुक करना चाहिए था, यानी कि एकदम कत्ल क्यों नहीं बुक किया गया और पुलिस इन्हें अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार की। चंदा नगर पुलिस पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। मेरा नाम ठाकुर अभिलाष सिंह है, मैं चंदा नगर में रहता हूँ। मैं करीब 15 साल हो गए चंदा नगर में रहता हूँ। मैं मेरी शादी 2007 में हुई। राजन सिंह बोलने वाला आदमी मेरे वाइफ का चाचा है जो मेरे को शादी में जमीन बेच के धोखा करा। क्या धोखा करा? जो ऐसो मेरे को 200 गज का एक प्लॉट दिया जिसमें से 100 गज उन्होंने बोल रहा कि मैं गिफ्ट दिया और 100 गज पैसे लेके दिया उन्होंने मेरे से। उसके बाद में हम उससे दोनों पूरी जमीन 200 गज की धोखे की निकली, लिटिगेशन की निकली। उसके बाद में हम लोग उससे बातचीत करे 12-13 साल तक। 100 गज के कितने पैसे दिए? 100 गज के वो टाइम पे हम लोग 4 लाख रूपये दिए उसको। 4 लाख रूपये लेके हमारे को जमीन भेजा। 2008 की बात है, 2007 में शादी हुई, शादी में 100 गज गिफ्ट दिया। 2008 में 4 लाख रुपए लेके बाकी का 100 गज भी तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ बोल के 4 लाख रुपए लेके पूरा 200 गज हमारे नाम पे करा। डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है। उसके बाद में वो लिटिगेशन की निकली। फिर पटनचेरू के MLA साहब हमारे को बुलाए। क्या नाम MLA का? महिपाल रेड्डी साहब है। कौन सी पार्टी? TRS पार्टी के है। अभी MLA है उन्हों? हाँ, अभी भी MLA है। साहब हमारे को हेल्प करे, ये राजन सिंह को सबको हमारे को बुला के बातचीत करे और उन्होंने बोले मैं तेरे को 200 गज नहीं होता, मैं 150 गज से को दे देता हूँ, पर पटनचेरू में देता हूँ, मेरा जमीन इंद्रेशम में था तो मेरे को पटनचेरू में मेन टाउन में दे देता हूँ बोले। तो ठीक है बोल के मैं उनकी बात को रेस्पेक्ट देके मैं मान लिया, पर मेरे को 100 गज जमीन दिए और वो भी जो राजन क्या करा डायरेक्ट मेरे को नहीं देके मेरे सास के नाम पे करने लगाया। वो जमीन 100 गज जमीन करने लगाया और वो सास, मेरी सास क्या करी, वो जमीन बेच लेके उन्होंने पैसे ले ली 20 लाख रुपए, उन्होंने मेरे को नहीं दे दी। अब ये जब उस टाइम पे राजन क्या बोला, तेरे को जो 200 की बात हुई जो नहीं दे रहे। राजन कौन है? मेरे वाइफ का चाचा है। आपके वाइफ का चाचा है? हाँ। उसके बाद से उसका हमारा झगड़ा चल रहा है 2007 से। जब सेटलमेंट की बात हुई, जो पूरी 200 गज मेरे को नहीं दिए जमीन, तो 100 गज ही दिए, तो बाकी के 100 गज के पैसे मैं दे देता हूँ बोल के बोला हूँ। अच्छा। आज तक हमारे को 100 गज के पैसे नहीं दिया। जमीन आई 100 गज? 100 गज जमीन आई, लिटिगेशन की आई, मेरे नाम पे नहीं आई, मेरे सास के नाम पे। वो भी लिटिगेशन है? हाँ, वो भी जो 100 गज है वो भी लिटिगेशन ही निकला और वो मेरे सास के नाम पे दिया। मेरी सास वो पैसे जमीन बेच ली और उन्होंने बोल रही कि MLA मेरे को दिया, मैं बेच ली बोल के बोल रही। अभी ये क्या हुआ ये आपको? अभी ये जो रिसेंटली एक मार्च को रात में 10 बजे मैं मेरी बच्ची को लेके बाहर किताबें दिलाने गया था चंदा नगर में,
जब मैं घर पे वापस आया, मेरे घर के सामने एक ब्लैक कलर का बुलेरो ठहरा हुआ था, उसमें राजन सिंह का बेटा अखिल, उसके तीन भाइया है नारायण सिंह, लक्ष्मण, धीरज और बाकी के उनके आजू बाजू के लोग है जो बच्चे है, पूरे जने मेरे पे अटैक करे, मेरा ग्रेनेड ऊपर मेरे फेंके, मैं बच गया और मेरा सर फूट गया यहाँ पे। मेरे को तीन टाके दलाना है, अभी जाके नहीं दलाया, मैं डायरेक्ट इधर आके स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पुलिस में FIR भी करा। क्या क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले FIR करके मेरे को कल दिए, आज मेरे को बुलाए स्टेटमेंट लेने के लिए, बुलाए मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। ये अटेंड टू कौन सा पुलिस? चंदनगर पुलिस स्टेशन में मैं FIR। चंदनगर पुलिस स्टेशन? कौन है CI? नाम तो मेरे को अभी CI का नाम तो नहीं मालूम, मैं कल ही जाके आया पुलिस। चंदनगर पुलिस है? चंदनगर पुलिस CI साहब। आपको 324 छोटे छोटे सेक्शन डाल के केस बुक करे? छोटे छोटे सेक्शन डाले इनके ऊपर, और मेरे को बुलेरो में डाल के दो बार कोशिश करे बुलेरो में डाल के किडनैपिंग, किडनैपिंग का केस पुलिस वाले नहीं बनाए, और सेक्शन अभी छोटे लगा, ये पूरा अटेंड टू मर्डर है। और इन लोग कॉलोनी में ठहर के सबको बोल रहे कि अगर पुलिस स्टेशन गया तो मेरा मर्डर कर देते बोल के बोल रहे। राजन सिंह का बेटा अखिल, उसका भाई नारायण सिंह, लक्ष्मण, धीरज और पटेंचरों के कोई आवारा बच्चों को लेके आए बुलेरो में, और इन लोगों सब जने मेरा अगर पुलिस स्टेशन गया FIR करा हमारे पे तो मर्डर कर देता हूँ बोल के बोल रहे मेरा। चले गए वहां से? हाँ, बोल के चले गए। थोड़ी देर बैठे भी वहां पे आधे घंटे तक। हाँ, उन लोग वहीं ठहरे थे और बाहर निकला तो मर्डर कर देता हूँ बोले मेरा। तो इसलिए मैं 100 नंबर कॉल करके पुलिस की गाड़ी घर को बुला के पुलिस की गाड़ी में मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करना। जब तक इन लोग चले गए थे? जब तक इन लोग चले गए थे, ये 1 मार्च का रात को 10:30 बजे की बात है, मेरे घर पे अटैक हुआ ये रात में। हाँ, रात में। पूरे अभी तक इनको अरेस्ट नहीं करे, और इन लोग बोल रहे कि मैं जो MLA साहब को बदनाम कर रहे, पटेंचरू के MLA साहब को, हम MLA का बदनाम कर रहे, राजन सिंह का बेटा बोल रहा हूँ, हमारे पीछे MLA साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, MLA साहब ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं करते, पर इन लोग MLA साहब का नाम भी लेके बदनाम कर रहे, इन लोगों का नाम ले रहे। हाँ, इन लोगों का नाम ले रहे जबरदस्ती MLA साहब का, हमारे पीछे MLA है, अगर तू जाएगा पुलिस स्टेशन में FIR करेगा हमारे पे तो तेरा मर्डर कर देता हूँ बोल के राजन सिंह का बेटा अखिल बोल रहा हूँ। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।